बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप नेशन बिल्डर्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वन कनाल मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस है। इसकी लोकेशन, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो में आगे चल के शेयर करेंगे। फ्रंट एलिवेशन आपको बता दूं, जिस पे टोटल टाइल यूज़ की गई है। डिसेंट इसका इंटीरियर किया गया है। 50x90 फिट इस घर की डायमेंशन है और इसकी 5 बेडरूम इस घर की अकोमोडेशन है। ये सामने आप इसका गैराज देख सकते हैं। कार रैंप पे टाइल फ्लोरिंग की गई है। एक्सटर्नल लॉन में प्लांटिंग की गई है और इसकी जो एक्सटर्नल वॉल है उस पर रॉक वॉल यूज़ की गई है। एंट्रेंस स्टेप पे भी टाइल यूज़ की गई है। सॉलिड स्टील का मेन गेट दिया गया है। ये इसका गैराज जिसमें 4 कार्स ईजीली पार्क की जा सकती हैं। डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है और सामने वॉल में आप देखें टाइल यूज़ की गई है। ये इस घर की मेन एंट्रेंस और इस साइड पे ये इनसाइड लॉन दिया गया है जिसमें प्लांटिंग की गई है। ये इसका आप एलिवेशन देख सकते हैं। टाइल यूज़ की गई है। ये इस घर की मेन एंट्रेंस स्टेप पे ग्रेनाइट दिया गया है। ये इसका सॉलिड एशवुड का मेन एंट्रेंस डोर और ये इस घर की मेन एंट्रेंस डबल हाइट लॉबी दी गई है। सामने इसके टीवी लॉन नज़र आ रहा है। यह आपको जो डोर नज़र आ रहा है पाउडर रूम दिया गया है। स्टेयर पे भी जेट ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। सामने वॉल पेपर यूज़ किया गया है। ये लॉबी में आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल इसमें शैंडलियर दिया गया है। डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है। मिरर का भी यूज़ किया गया है। ब्यूटीफुल इसकी डिज़ाइनिंग। और यहाँ मैं आपको इस घर की ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान बता दूं। ये सामने टीवी लॉन्ज है। लेफ्ट साइड पे स्टेयर जा रही हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती हैं। टीवी लॉन्ज के अपोजिट किचन दिया गया है और राइट साइड पे ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को कंबाइन किया गया है। इसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है। ये सामने आप वॉल देखें तो विंडो दी गई है। गार्डन का खूबसूरत व्यू। ये सामने फायरप्लेस दी गई है। टाइल का खूबसूरत फ्रेम और लाइट्स दी गई हैं। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में वुडन फ्लोरिंग की गई है और सीलिंग में बहुत खूबसूरत ये देखें तो शैंडलियर ड्रॉप किए गए हैं। ये सामने डाइनिंग रूम वॉल पे वॉलपेपर यूज़ किया गया है। अगेन लॉबी में और लॉबी में ही स्टेयर के बिल्कुल नीचे इसका पाउडर रूम दिया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। डिसेंट इसमें टाइल यूज़ की गई है। ये इसकी वैनिटी। यहाँ पे आप देखें तो ये कमोड दिया गया है। पीछे बहुत ही खूबसूरत टाइल्स दी गई हैं और ये विंडो दी गई है और यहाँ पे मिरर दिया गया है। ये सामने टीवी लॉन दिया गया है जिसमें फुल साइज़ की स्पेनिश टाइल फ्लोरिंग की गई है। मीडिया वॉल पे वॉलपेपर यूज़ किया गया है। इसके अलावा प्योर वुडन से डिज़ाइनिंग की गई है। फायरप्लेस दी गई है। सामने विंडो नज़र आ रही है आपको और मिड में शैंडलियर दिया गया है। ब्यूटीफुल इसमें सीलिंग की गई है और इस साइड पे देखें तो यहाँ सीलिंग में वुडन यूज़ की गई है। और ये सामने दिया गया है जी इसका किचन। इटालियन ब्रांडेड किचन यहाँ पे फिक्स किया गया है। कोरियन का टॉप दिया गया है वाइट कलर का और टाइल का बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन। यहाँ पर आपको ये विंडो नज़र आ रही है और ये इसका शेफ किचन। इसमें भी सेम इंटीरियर किया गया है। सेम इसकी एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। और अब देखते हैं जी इस घर के बेडरूम। टीवी लॉन्च के साथ ही दोनों बेडरूम दिए गए हैं। ये लॉबी और ये सामने मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है। बहुत ही डिसेंट इसमें भी इंटीरियर किया गया है। सामने वॉल में लैंडस्केपिंग की गई है। डबल ग्लेज विंडो दी गई है। ये इसकी बेड वॉल वॉलपेपर यूज़ किया गया है। हैंगिंग लाइट की गई है। डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है। शैंडलियर ड्रॉप किया गया है और ये सामने इसकी मीडिया वॉल दी गई है। और ये इसका मास्टर बाथरूम। सामने बुक मैच का बहुत ही खूबसूरत टाइल का फ्रेम दिया गया है। ये जैकूजी और इस साइड पे देखें तो ये वैनिटी दी गई है वाइट कलर में। मिरर दिया गया है। वॉल हैंगिंग कमोड दिया गया है। ये सामने टॉप तक मिरर की वार्डरोब दी गई है। और अब देखते हैं ये इसका
सेकंड बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ लॉबी में ही ये सेकंड बेडरूम दिया गया है जिसमें सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है। ये इसकी बेड वॉल पे वॉलपेपर यूज़ किया गया है, सामने विंडो और वॉल में लैंडस्केपिंग की गई है। मीडिया वॉल सिंपली डिज़ाइन की गई है, ये इसकी बेड वॉल और डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, रोप लाइट दी गई। ये इसका अटैच बाथरूम, सामने आपको शावर कैबिन नज़र आ रहा है। ये इसकी वैनिटी दी गई है और यहाँ पे आपको कमोड नज़र आ रहा है, खूबसूरत वैनिटी, डिसेंट इसमें टाइल, बहुत खूबसूरत इंटीरियर किया गया है। और इस साइड पे आपको वार्डरोब नज़र आ रही है। तो ये जी ग्राउंड फ्लोर का सेकेंड बेडरूम। अब देखते हैं जी फर्स्ट फ्लोर। ये स्टेयर स्टेप पे जेट ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। और ये सामने आप वॉल देखें तो ये वॉलपेपर यूज़ किया गया है। बहुत ही खूबसूरत लॉबी में सीलिंग दी गई है, टॉप में खूबसूरत इसमें आपको शैंडलियर नज़र आ रहा है। और ये लॉबी में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग की गई है। सामने इस सेंट्रल टेरेस नज़र आ रहा है। और फ्रंट पे मास्टर बेडरूम गेस्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ मैं आपको लेआउट प्लान बता दूं कि फ्रंट पे एक बेडरूम दिया गया है, ये सामने टीवी लाउंज दिया गया है, इसके बाद में किचन और दो बेडरूम और स्टोर दिया गया है। और इस साइड पे देखें तो ये सेंट्रल टेरेस दिया गया है। और अब देखते हैं कि इस घर का थर्ड बेडरूम। ये फ्रंट पे मास्टर बेडरूम दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत खूबसूरत इंटीरियर किया गया है। सामने आपको इसकी बेड वॉल नज़र आ रही है, वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और ये इसके सामने सेंट्रल टेरेस। ये इस बेड की मीडिया वॉल दी गई है और इसमें भी डिसेंट टाइल फ्लोरिंग की गई है, बहुत ही अच्छा इसका साइज दिया गया है। सामने आपको बहुत खूबसूरत वैनिटी नज़र आ रही है। और ये जी इसका शावर कैबिन दिया गया है, शीशे से कवर किया गया है पूरे घर में। बाथरूम में आपको ग्रोहे की एक्सेसरीज मिलती हैं। और इस साइड पे देखें तो यहाँ बहुत खूबसूरत वॉल हैंगिंग का मोड दिया गया है। इसके अलावा आपको जकूज़ी नज़र आ रही है। और ये आप मास्टर बेडरूम का अगेन व्यू कर सकते हैं। लॉबी में राइट साइड पे सेंट्रल टेरेस दिया गया है। और ये सामने दिया गया है फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन। सामने आपको एक डोर क्लोज नज़र आ रहा है, ये स्टोर दिया गया है। और ये इसका टीवी लॉन, सामने इसकी मीडिया वॉल दी गई, ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ में आपको किचन नज़र आ रहा है। और इस साइड पे देखें ये सामने ये जी बहुत खूबसूरत इसमें सीलिंग दी गई है। और इस साइड पे ये इसका सेंट्रल टेरेस दिया गया है। ये सेंट्रल टेरेस आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही डिसेंट इसमें प्लांटिंग की गई है, इसमें मार्बल यूज़ किया गया है, फायर प्लेस दी गई है और बहुत अच्छी इसमें सेटिंग स्पेस दी गई है। और बहुत ही अच्छी इसकी स्पेस निकाली है। सामने आप देखें तो ये इसका मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये वॉल देखें तो यहाँ पे आपको मार्बल से डिज़ाइनिंग मिलती है, सिटिंग बेंच दिए गए हैं। और यहाँ जो है आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं। और अब देखते हैं जी इस घर के दो बेडरूम रह गए हैं, वो देख लेते हैं। टीवी लॉन्च के साथ ही लॉबी में ये सामने स्टोर दिया गया है। और राइट साइड पे ये फोर्थ बेडरूम, इसकी मीडियम इसकी ये बेड वॉल आप देख सकते हैं, वॉलपेपर यूज़ किया गया है, डबल इसमें आपको विंडो दी गई है। और पीछे बैक साइड पे भी एक बैल्कनी दी गई है, इसकी वार्डरोब बेड के अंदर दी गई है। और इसकी आप सीलिंग देख लें, बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन की गई। और ये इसका अटैच बाथरूम, ब्यूटीफुल इसमें टायर से डिज़ाइनिंग की गई है। ये देखें कि ये इसका शावर कैबिन शीशे से कवर किया गया है, वॉल पे डिसेंट टाइल यूज़ की गई है, टॉप में रेन शावर दिया गया है। ये इसका मिरर और ये इसकी खूबसूरत वैनिटी। और यहाँ पे देखें तो इस साइड पे ये वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। और यहाँ से देखें तो ये बैल्कनी दी गई है और इसको बेड से भी कनेक्टिविटी दी गई है और वेंटिलेशन के लिए विंडो से भी छोटी सी विंडो दी गई है, वहाँ से भी इसको देखने की एक्सेस है। और ये सामने जी लास्ट बेडरूम, फिफ्थ बेडरूम, ये इसकी मीडिया वॉल वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और इस साइड पे देखें ये सामने इसका डोर
और ये सेंट्रल टेरेस दिया गया है, और इस बेड से भी सेंट्रल ये बैल्कनी को एक्सेस दी गई, आप इसको देख सकते हैं, दोनों बेडरूम से बैल्कनी को एक्सेस दी गई, ये आप देख सकते हैं, और ये दूसरे बेड से भी रास्ता दिया गया है। ये सामने इसका अटैच बाथ दिया गया है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, सामने विंडो दी गई है, ये मिरर दिया गया है, और ये इसका रेन शावर कैबिन दिया गया है, वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, ब्यूटीफुल टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, ये शावर कैबिन, टॉप में रेन शावर दिया गया है, एग्जास्ट दिया गया है, ब्यूटीफुल लाइट्स दी गई हैं, और ये जी सामने वार्डरोब नज़र आ रही हैं। सो व्यूअर, ये गैस घर का टूर था, ये 5 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ 1 कनाल मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस है। इसके अलावा इसमें स्टोर और 2 सर्वेंट क्वार्टर बेसमेंट में दिए गए हैं। पूरे घर में वाइट कलर की टाइल के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इसकी लोकेशन Phase 6 BHA लाहौर है। विजिट करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। Until the next video, Allah Hafiz.